वक्त कोरोना अपने चरम पर है, अपना कहर बरपा रहा है, तो ऐसे में देश की जनता का ध्यान इसी बात पर है कि ये कहर कब कम होगा या इससे जुड़ी तमाम चीजों पर। और बीते दो दिन से तोपते तूफान अपनी ओर ध्यान खींच रहा है। केरल मुंबई में तबाही दिखाई दे रही है, लेकिन आज एक मुद्दे ने साल 2016 की याद दिला दी और एक बार फिर से देश बंगाल की तरफ टकटकी लगाकर देखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। ममता बनर्जी की बेबाकी को कौन नहीं जानता, हर कोई वाकिफ है। ममता दीदी सीधे डंके की चोट पर बात करती हैं, लेकिन दीदी अपनी जिद से पीछे कभी नहीं हटती, सीधे सवाल करने शुरू कर देती हैं। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के कैबिनेट सदस्यों का अभी हाल ही में शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें टीएमसी के 43 नेता मंत्री बने। राजभवन में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी कैबिनेट मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई। इस दौरान ममता बनर्जी भी यहां पर मौजूद रहीं, लेकिन शायद इस जीत को किसी की नजर लग गई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनते ही नारदा केस में उनके मंत्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। आज सीबीआई ने नारदा मामले में आरोपी फरहाद हकीम, सुब्रत चटर्जी, सोवन चटर्जी और मदन मित्रा को गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह सीबीआई के अधिकारी फरहाद हकीम के आवास पर पहुंचे और घर की तलाशी ली। इसके बाद फरहाद हकीम को सीबीआई दफ्तर पूछताछ के लिए ले आए। सीबीआई द्वारा अपने नेताओं की गिरफ्तारी से भड़की सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई। ममता बनर्जी ने इस गिरफ्तारी पर नाराजगी जताते हुए सीबीआई के अधिकारियों से कहा कि मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। इसके अलावा बंगाल सरकार में मंत्री सुब्रत मुखर्जी और विधायक मदन मित्रा के घर पर भी छापा मारा गया और उन्हें सीबीआई दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसके अलावा पूर्व मेयर सोबत चटर्जी पर भी कार्रवाई की गई। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ममता हमेशा ऐसा ही करती हैं। जब जब उनके किसी भी मंत्री से पूछताछ होती है, वो पूरी तरह से बौखला जाती हैं और कार्यालय पर जाकर बयानबाजी करती हैं, धरने पर बैठ जाती हैं। अब जरा इस खबर को पूरी तरह से समझिए, इस खबर को समझिए। 2016 में सामने आया था नारदा स्टिंग टेप। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2017 में दिए थे मामले की सीबीआई जांच के आदेश। सीबीआई कार्यालय में हुई चारों नेताओं की गिरफ्तारी, पूछताछ के नाम पर बुलाकर की गिरफ्तारी हाकिम की तरफ से कहा गया, असंवैधानिक कहलाएंगी गिरफ्तारियां, स्पीकर ने ये कहा, टीएमसी ने जिसका विरोध जताया। इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ? 2016 में सामने आया था नारदा सिंह टेप। बता दें कि नारदा सिंह टेप पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनावों से पहले सामने आया था। यह स्टिंग ऑपरेशन 2014 में किया गया था। इस स्टिंग में कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस नेताओं को रिश्वत लेते हुए दिखाया गया था। स्टिंग में फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी का नाम सामने आया था। ये चारों 2014 में ममता बनर्जी सरकार में मंत्री थे। ये स्टिंग ऑपरेशन नारदा न्यूज पोर्टल ने किया था, जिसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने 2017 में दिए थे मामले की सीबीआई जांच के आदेश। इस स्टिंग ऑपरेशन से पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया था। विपक्ष ने मामले की सीबीआई जांच की लगातार मांग की थी। इसको लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2017 में स्टिंग सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि इस समय सोवन चटर्जी टीएमसी में नहीं है, वहीं फरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी इस समय राज्य सरकार में मंत्री और मदन मित्रा टीएमसी के विधायक हैं। कितनी गिरफ्तारियां? सीबीआई कार्यालय में हुई चारों नेताओं की गिरफ्तारी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गिरफ्तार होने वालों में राज्य सरकार के मंत्री फरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी शामिल हैं। सुबह करीब 9 बजे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान सबसे पहले फरहाद हकीम को उनके घर से पूछताछ के लिए सीबीआई के निजाम पैलेस स्थित कार्यालय पर ले गए थे। उसके बाद सुब्रत मुखर्जी और दो अन्य नेताओं को भी बुलाया गया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किस तरह के आरोप लगे हैं,
पूछताछ के नाम पर बुलाकर की गिरफ्तारी हाकिम की तरफ से कहा गया। मामले में राज्य के परिवहन और आवास मंत्री फरहाद हाकिम ने दावा किया, सीबीआई ने नारदा मामले में मुझे पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उसके बाद अचानक गिरफ्तार कर लिया। हम अदालत इस मामले को लेकर जाएंगे। बता दें कि राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ की ओर से इन नेताओं के खिलाफ मामला चलाने की मंजूरी मिलने के बाद सीबीआई ने इस मामले में कार्रवाई की है। राज्य की राजनीति में इसको लेकर गर्मी आ गई है। आसिफ धानी कहलाएंगी गिरफ्तारियां, स्पीकर की तरफ से कहा गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी ने कहा, ये सभी गिरफ्तारियां असंवैधानिक होंगी क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार किसी विधायक को गिरफ्तार करने से पहले विधानसभा स्पीकर से इजाजत ली जाती है, लेकिन मुझसे कोई इजाजत नहीं ली गई है। सीबीआई की इस कार्रवाई पर टीएमसी ने कड़ा विरोध जताया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सीबीआई ने कार्रवाई राजनीतिक बदले लेने के लिए की है। यहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सांसद कल्याण बनर्जी और शांतनु सेन के साथ सीबीआई कार्यालय पहुंच गई और वहां पर धरना देने लगी। यहां उन्होंने विरोध जताते हुए अधिकारियों से कहा, गिरफ्तार कर लीजिए मुझे भी। तो वहीं सीबीआई की ओर से गिरफ्तार किए गए सुवन चटर्जी की पत्नी रत्ना भी एजेंसी के कार्यालय में पहुंच गई है। ममता लगातार धरने पर बैठी रही, तो वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा सांसद दिलीप घोष ने मोदीपुर कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। ममता पर चुनाव के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया गया। इसके अलावा बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट करके कहा है कि ममता दीदी जानबूझकर ये सब कर रही हैं और सीबीआई जांच एजेंसियों के सामने बाधाएं खड़ी कर रही हैं। चुनाव की शुरुआत से लेकर और अब तक बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का ही सिलसिला जारी है, लेकिन एक बार फिर से ये 2016 के स्टिंग ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। देखना होगा ये राजनीति का आउट किस करवट बैठता है। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी खास मुद्दे के साथ। नमस्कार।